काकरोच यही लग रहे हैं। चलो खाना मिला, चलो खाना, हमारा मेहर करे। तो हमारा गलाटा पोर्ट का जो एक्सपीरियंस था, तो हम लोग पहुंच गए हैं गलाटा पोर्ट साइड पर। तो ये सामने का सी का व्यू है, आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आइए चलते हैं। तो ये देखिए, ये रेस्टोरेंट्स हैं, स्टारबक्स, दिखाता हूँ आपको, आगे भी चलेंगे हम लोग। ये देखिए, वो सामने बड़ी सी शिप जो है। तो यहाँ पर सामने एक वाइट कलर का आप लोग क्रूज देख सकते हैं, बड़ा सा क्रूज लगा हुआ है साइड पर, और टर्किश फ्लैग था। और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट क्रूज़ ही दिखेंगे, क्योंकि क्रूज़ राइड भी होती है गलाटा पोर्ट पर। मॉस्क भी है सामने, ये सारा सी पोर्ट एरिया है। वो देखिए दूर मॉस्क है सामने। तो अभी क्रूज़ यहाँ से वापस आ रहे हैं, इवनिंग का टाइम है, मौसम भी थोड़ा ख़राब सा चल रहा है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, और पानी भी आप देखिए काफ़ी तेज़ी से फ्लोट कर रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग सामने। तो पोर्ट पर यह क्रूज़ रुका हुआ है, जो मैंने आपको इस्तांबुल मॉडर्न से दिखाया था। और सिक्योरिटी गार्ड आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हैं। जो आप ये येलो लाइन देख रही हैं, आपको इसके अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, अदरवाइज़ विसल ब्लो कर जाएगी। और ठीक है, सेफ्टी के लिए है हमारी। तो ये देखिए, ये वो बड़ा सा शिप था जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया था। तो ये काफ़ी दिन से यहीं पर खड़ा हुआ है। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है आज, ठंडी ठंडी हवा चल रही है सी साइड पर, और क्रूज़ देख सकते हैं आप लोग। ये जो नज़ारा है, ये भी आप यहाँ के ले सकते हैं सामने। शाम का वक्त है, तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊंगा। देखना पानी कितना तेज़ है, और जो बर्ड्स हैं वो स्विम कर रहे हैं। ये देखिए डांस चल रहा है सामने, तो वेव जैसे बोलते हैं ना, हम ऋषिकेश जाते हैं या राफ्टिंग करते हैं, तो उस टाइम वो आते हैं, रैपिड्स आते हैं, सेम रैपिड्स आपको यहाँ दिखेंगे। ये देखिए, तो ये फ्लोट कर रहे हैं बर्ड्स, तो इनके लिए तो काफ़ी ईजी है। इवनिंग के टाइम पर आपको यहाँ पर ज़्यादा थोड़ी रौनक दिखी, क्योंकि क्रूज़ जो होते हैं वापस आ रहे होते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए शाम का नज़ारा है। तो हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं हम कब बैठेंगे, कब जाएंगे। हमने प्लान किया कल का, हमें अपना होटल भी चेंज करना है, होटल शिफ्ट करना है, और फिर हम आएँगे फ्री होके क्रूज़ आपको समुंदर में घुमाएँगे। ये देखिए, तो हम भी एक्सपीरियंस करेंगे, हमने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है क्रूज़ का, हमारा भी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहेगा। और आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो बाहर ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, हम लोग अंदर आ चुके हैं स्टारबक्स में, पियेंगे कॉफ़ी और थोड़ा बैठेंगे, क्योंकि सुबह से थक चुके हैं। ट्रैम कभी आगे, कभी टैक्सीम गए हुए थे, टैक्सीम के बाद हम रामी स्क्वायर गए हुए थे, और अभी यहाँ पर गलाटा पोर्ट पर पहुँच चुके हैं। ये साथ में आप लोग देखिए, शॉपिंग करना चाहते हैं तो साथ में आ जाए, यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी हम मल्टी ब्रांड शोरूम है, तो देख सकते हैं आप लोग सामने। तो हमारा गलाटा पोर्ट का जो एक्सपीरियंस था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो यहाँ सी के पास काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो हमने कॉफ़ी ली, बैठे काफ़ी देर, और फोटोग्राफ्स भी खिंचाई, अपना ब्लॉग भी कंप्लीट किया। वो आपको आने वाले दिनों में जब फ्री होंगे, एडिटिंग करके आपको दिखाएँगे। और अब हम निकलेंगे वापस सुल्तान अहमद घर पर अपने, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं सुबह के निकले हुए थे। तो फाइनली अभी जो आज तीन चीज़ें हमने कवर की हैं, पहला टैक्सिम स्क्वायर था, चिश्तक़लिया स्ट्रीट थी, उसके बाद हमारा सेकंड था जो मॉडर्न इस्तांबुल, तो थर्ड था हमारा गलाटा पोर्ट, वो हमने पूरा कर लिया। यहाँ से होते हुए हम जाएंगे वापस अपने होटल। तो ये सारा गलाटा पोर्ट का एरिया है। तो यहाँ से निकल रहे थे, ये सामने नॉन वेज की एक शॉप है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, सड़क की दूसरी साइड भी लोग खड़े हुए थे, काफ़ी फेमस प्लेस है। तो हम गलाटा पोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तो ये यहाँ की स्ट्रीट्स हैं, और रेस्टोरेंट देखिए कितने प्यारे हैं, इनको स्ट्रीट्स की दोनों साइड पर, राइट और लेफ्ट साइड पर रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, और उनको बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है यूरोपियन कल्चर के साथ। आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और इनका जो फूड है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आइए चलते हैं, यहाँ से दिखाएंगे आपको गलाटा पोर्ट। तो यहाँ पर चलते चलते मेरी नज़र पड़ी है इस रेड़ी पर, रेड़ी बोलूँगा इसको मैं, हमारे इंडिया में इसको रेड़ी बोलते हैं। तो ये मीडियम स्मॉल लार्ज साइज़ के ओइस्टर हैं, शायद पता नहीं काकरोच हैं, ओइस्टर हैं क्या है, और ये इसके ऊपर नींबू सा, देख लो पानी केक लाया करते हैं, बड़ा
लेट्स सी, काकरोच यही लग रहे हैं। चलो खाना मिला, चलो खाना हमारा मेहर करे। खा तो मैंने लिया, चलो इसको पूछते हैं ये है क्या ना, इसको मेरी लैंग्वेज समझ आनी ना मुझे इसकी आनी। दिस मासेस मीडियम मासेस पता नहीं क्या था ये, जो भी था गंद था, बड़ा बकवास था ये, दोबारा मैं इसको कभी ना खाऊं। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से काकरोच खा के, जो भी गंद खाया। तो इस शहर की अपनी रौनक है, अपना मज़ा, अपने लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा शहर है, सुकून पसंद। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है पिछले 6 दिन से, अभी हमारे 4 दिन हो रहे हैं, बहुत कुछ आगे आने वाला, बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, देखते रहिए सरदार जी व्लॉग्स, खूब सारी बातें करेंगे आपके साथ। मिलते हैं कल दोबारा, न्यू डेस्टिनेशन, न्यू प्लेस, ठीक है, किसी अच्छी डेस्टिनेशन पर जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। आज क्योंकि मौसम का थोड़ा सा हमें था तो हमने उसका नहीं किया, क्या बोलते हैं ये, क्रूज़ का नहीं किया प्लान, तो होपफुली कल ज़रूर करेंगे, तो कल आपको दिखाएंगे। होप आप लोगों को मेरे टर्की व्लॉग की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सरदार जी व्लॉग्स, थैंक यू एवरीवन।